सुशांत, इफ यू वांट टू कनेक्ट एंड वांट टू गिव अ मैसेज, गिव मी किंग ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स. पूरा नहीं बोलने दिया. ओके, 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 सो ही इज हियर. मुझे लगा था, और कार्ड्स भी थोड़े से बड़े खतरनाक किस्म के कार्ड्स आए. सारे माइनर आर्काना है, और माइनर आर्काना जो है वो डे टू डे लाइफ की चीज़ें या डे टू डे में जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, उनके बारे में होता है. और यहाँ पे 7-11 की एनर्जी पहली है, ठीक है, 7-10 सेकेंड है, और 4-8 थर्ड है. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इल्यूजन है, और इल्यूजन में बहुत सारे कप्स हैं. मतलब किसी पर्सन को चूज करना है और उसके सामने बहुत सारे कप्स हैं, लेकिन फाइनली वो एक कप चूज करती है, और उस कप को चूज करके, उस कप का चुनाव करके आगे बढ़ती है. जब वो आगे बढ़ती है तो देर इज अ सिचुएशन जहाँ पे कोई ऑलरेडी इंतजार कर रहा है, और उसके आगे बहुत सारे ट्रबल्स या बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो उसको पार करने हैं, लेकिन समहाउ वर्क करके उन सारे चैलेंजेस को पार करता है. लेकिन पार करने के बाद देर इज स्टिल दैट एनर्जी जहां पे कोई चीज जो है फिर से रुकी हुई है, जहां पे एक नई पजल है, और उस पजल को क्रिएट क्लियर करना है किसी को बाहर छुड़ाने के लिए, किसी को रेस्क्यू करने के लिए, या किसी को पकड़ने के लिए. अब ये कार्ड्स मुझे बहुत अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं, और मैं बहुत अलग तरह से इंटरप्रेट कर रही हूँ, यूजुअल नहीं कर रही हूँ. पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक स्टेप का चुनाव करना जो है इस टाइम पे बहुत जरूरी है. दिस कुड बी रिलेटेड टू सुशांत, कि सुशांत को बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक स्टेप का चुनाव करना है, और वो स्टेप का चुनाव करने के बाद देर इज गोइंग टू बी अनदर सेट ऑफ डिफिकल्टी जो उनको क्रॉस करना है, क्योंकि उस चुनाव को करने के बाद कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना, या कुछ चीज़ों को, कुछ एविडेंसेस को, कुछ सिचुएशंस को इकट्ठा करना, और उसको फिर ले जाके कहीं एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड या टेक्निकली किसी चीज़ के बीच में कंप्लीट करना, या किसी सर्कल को कंप्लीट करना. दिस लुक्स लाइक एनर्जी वाइज या टेक्नोलॉजी वाइज उनको किसी चीज़ को लिटरली, मतलब जैसे लेजर लाइट्स लगी हैं, राइट, सो किसी चीज़ को लिटरली एक कनेक्ट करना है, या एक स्विच घुमाना है जिससे बाकी सारे स्विच जो है घूम जाए, और उसके बाद वो ईदर इट इज उसके बाद वो रेस्क्यू होगा विच इज मच नीडेड, या उसके बाद वो अरेस्ट होगा विच इज much needed, and it looks like he's continuously working on it, and probably one of the reasons why he couldn't connect before. मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने try किया था, but it was like have patience, I'm doing something. और लिटरली वो पेशेंस के बाद जो रिजल्ट है वो ये है सामने, एंड इट इज लाइक कंप्लीटिंग समथिंग. और जब वो कंप्लीट होगा टास्क, दैट इज व्हेन द न्यू सन राइजेस. और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक इंसान की पीठ पे 10 तलवारें लगी हुई हैं, एंड देन देर इज अ सनराइज दैट इज हैपनिंग. और ये सारी तलवारें जो हैं उसकी बैक पे लगी हैं, और उसके हाथ में कुछ है. इफ यू सी यहाँ पर, उसके हाथ में कोई चीज है जो उसने अभी भी, या एक फिंगर जो है वो फोल्ड है, या उसके हाथ में कोई चीज है जो उसने अभी भी पकड़ी हुई है. कैन बी वेरी मच रिलेटेड टू सुशांत, रीजन बींग के हम सब जानते हैं कि वो वीडियो में एक फिंगर जो है वो हिली थी सुशांत की, एंड दिस इज ऑल्सो द लिटिल फिंगर जो हिल रही है, या जो मूव कर रही है. सारा हाथ ऐसे है, और एक लिटिल फिंगर जो है ऐसे ऊपर है. सो दैट्स दिस इज दैट एनर्जी, एंड इट इज लाइक समथिंग इज बींग वर्कड अपॉन. और ये डेफिनेटली सुशांत से रिलेटेड है, और डेफिनेटली या सुशांत कर रहे हैं, या सुशांत के लिए किया जा रहा है. दैट इज हाउ आई सी दिस एनर्जी. तो बहुत मैंने बोला, कई बार सेम कार्ड्स जो है ना बहुत डिफरेंट एनर्जी देते हैं, और बहुत डिफरेंट तरह से दिखाई देते हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव. ओके, सुशांत. और आजकल ना बहुत सारे रीडिंग्स आ रही हैं, एंड आई नो दैट एवरीबडी इज नॉट सीइंग ऑल द रीडिंग्स. दैट इज प्रॉब्ली बिकॉज एवरीबडी इज नॉट मेंट टू सी ऑल द रीडिंग्स, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं प्रॉब्ली सुशांत इज ऑल्सो फिगरिंग आउट कि कौन है जो मैं जितना भी वर्क करवाऊं पूरे दिन में, या कितने भी मैसेजेस दूं, वो फिर भी अलर्ट रहेगा, और वो उनको देखेगा, और कौन है जिसके लिए इट इज गोइंग टू बी टू मच एंड दे विल लीव. बिकॉज ऑब्वियसली सर्टनली विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई हैव, मुझे भी हर थोड़ी देर में आके चेक करना होता है. तो इट इज लाइक हम एट टाइम्स मैं भी सोचती हूँ कि अरे अभी तो चेक किया था, दो मिनट के बाद फिर चेक करना पड़ रहा है, या एट टाइम्स आई एम लाइक बस मैं बैठी हूँ इमिडिएटली मैसेज आ जाता है, आई एम लाइक मैं दो मिनट बैठना चाहती हूँ, लेकिन देन आई रियलाइज दैट नहीं, ही इज मोर इम्पॉर्टेंट, द मैसेजेस आर मोर इम्पॉर्टेंट. सो आई थिंक ये इतने मैसेजेस जो फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, दैट इज ऑल्सो टू फिगर आउट वेदर यू आर रियली इन टू इट. लाइक आप, हमने कमिट किया है कि
नो मैटर व्हाट हम सुशांत के साथ हैं, हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो सुशांत के साथ हैं, लेकिन जान देना तो बहुत दूर की बात है. दिस इज लाइक कैन वी टेक दिस लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट या एक्स्ट्रा बिट ऑफ वर्क जो हमें करना है उनके लिए. दिस इज अ चेंज एंड अ लोननेस की एनर्जी, ये चेंज की एनर्जी है. व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है और ये हर्मिट की एनर्जी है. हर्मिट इज सीइंग द लाइट, हर्मिट इज नॉट शोइंग द लाइट, हर्मिट इज सीइंग द लाइट. दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर सुशांत. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुशांत के लिए हो रहा है और ये यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है या फिर ये धरती के जो ह्यूमंस हैं वो क्रिएट कर रहे हैं. बट समथिंग इज हैपनिंग फॉर सुशांत, क्योंकि ये चेंज की एनर्जी के बाद अलोननेस में एक लाइट है और जो हर्मिट को दिखाई दे रही है. हर्मिट अकेला है बट नॉट लोनली. दिस इज नॉट लोनलीनेस, दिस इज अलोननेस. एक एनर्जी, एक जर्नी जो उनको अकेले ही लेनी थी और अब उस जर्नी का अकेले वाला टाइम पीरियड खत्म हो गया है एंड ही इज कमिंग टूवर्ड्स लाइट. नाउ सम वेरी वेरी मीनिंगफुल मैसेजेस आर कमिंग एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली ही वाज सेइंग दैट पेशेंस, जल्दी जल्दी में नहीं करना है मुझे, आराम से मैसेजेस दे रहे हैं क्योंकि अदरवाइज सुबह बहुत जल्दी जल्दी में था. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स सुशांत, व्हाट एल्स डू यू वांट टू से. सी व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है और इट वेरी वेरी क्लियरली सेज दैट समथिंग इज टर्निंग अराउंड. कुछ बहुत स्ट्रांग टर्न अराउंड हो रहा है ऑफ द इवेंट्स, ऑफ द फॉर्चून, ऑफ द थिंग्स. और जो आपने पढ़ा है, जो आपने देखा है, जो आपने सीखा है, सब बदलने वाला है. इट इज ऑल द व्हील्स आर चेंजिंग एंड दे आर चेंजिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली. मैं गीता कार्ड्स और वो रखने लगी थी जो मैंने पहले लिए थे, बट ही वॉज लाइक नहीं, मुझे अभी और मैसेज देना है यहाँ से, तो कीप इट हियर ओनली. और मैंने वहीं रखे, फिर मैंने नहीं उठाए. सो लेट्स सी सुशांत. ओके, सो लेट मी आस्क माई क्वेश्चन. इसके बाद इट इज लाइक ऑफरिंग ऑफ डिवोशंस और ये उन्होंने थोड़े दिन, आई थिंक किसी वीकली प्रेडिक्शन इस वीक में है, नेक्स्ट वीक में, कहीं वीकली में भी मैंने ये कार्ड देखा है और डेली प्रेडिक्शन जो होती है उसमें भी ये कार्ड देखा है. और दिस इज लाइक जब प्रेयर्स आंसर की जाती हैं, जब गंगा जो है वो शिव, अब मुझे नहीं पता कि वही एनर्जी है या नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है जब भागीरथ ने गंगा, जो शिव ने भागीरथ को गंगा दे दी थी, वो एनर्जी है शायद, आई डोंट नो. बट दिस इज वर्स 26-27 चैप्टर 9. और ये जो है ये कार्ड ये बोलता है चैप्टर की प्यार, डिवोशन, जो डिवोशन के साथ अगर आप एक पत्ता, एक फूल या पानी भी चढ़ाते हो तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, जो आप खाते हो वो मैं खाता हूँ. तो जो भी आपकी एनर्जी है अगर मेरे पे ऑफरिंग के हिसाब से उसको करोगे तो इट विल बी ऑल एक्सेप्टेड बाय मी. दिस इज डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन, दिस इज डेफिनेटली डिवाइन कमिंग एंड दिस इज डेफिनेटली दैट एनर्जी जहां पे डिवाइन उस डिवोशन को समझ रहे हैं और डिवाइन उस डिवोशन को देख रहे हैं. ओनली थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल सुशांत इज दैट मैंने सुशांत को बोला है कि जिस दिन व्हेन इट इज टाइम फॉर हिम टू कम, जब उनके आने का वक्त हो गया है, हो जाए, या जिस दिन वो वक्त जो है उनसे रिलेटेड किसी राइट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के आने का हो जाए, तो गिव मी द जगन्नाथ वाला कार्ड. सो जब भी गीता कार्ड यूज करेंगे हम, कीप दैट इन माइंड एंड आई विल ऑल्सो. लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट ही वॉन्ट्स टू से. सुशांत सर, anything else that you want to say? No, I think that is it from here. And let me take out one other card जो मैंने रखा है यहाँ पर, because I think Sushant told me not to pick this up also. So let's see. Something, it looks like something is going to be offered to somebody. कोई चीज़ जो है किसी को ऑफर की जाएगी. Is it either it is कि कोई चीज़, कोई opportunity, कोई idea, कोई thought, कोई deal सुशांत को ऑफर की जाएगी, और something सुशांत is offering in return of which एक बड़ा step लिया जाएगा. That is how I kind of just thought कि ये कार्ड उन्होंने ट्रू ऑफरिंग का दिया है. दैट हैज टू हैव अ मीनिंग. सो इट इज लुकिंग लाइक जहां से, क्योंकि गंगा है नदी और वो करती है फ्लो, तो जहां पे जो भी चीजें, और सर के ऊपर शिवजी के होती हैं, सर होता है थॉट, माइंड, आपके आइडियाज, आपके एक्शंस, आपका लॉजिक. तो इट लुक्स लाइक कि कोई चीज जो
जहां पे फ्लो रोक के रखा गया था, देर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ ऑफरिंग जिससे वो फ्लो जो है जो रोक के रखा गया था, जो चीजें दिमाग में रोक के रखी गई थी या जो चीजें छुपा के रखी गई थी, बिकॉज वॉट यू थिंक नो बडी नोज अनलेस यू स्पीक इट आउट. तो वो चीजें जो छुपा के रखी गई थी, समबडी इज गोइंग टू स्पीक आउट द ट्रूथ, कोई बहुत बड़ा सच जो है वो बोलने वाला है. दैट इज हाउ आई सी दिस. लेट्स सी, डायलेंटे का कार्ड है पहला, एंड इट ये आर्ट्स की एनर्जी है और ये कार्ड है जो आपको सुपरफिशियल होने के डेंजर से भी वार्न करता है. और कई बार कुछ चीजों को लेकर आप नॉलेज शो करते हो कि मुझे इसकी नॉलेज है, जबकि आपको नहीं होती है. एंड दिस इज लाइक समबडी हु हैड बीन शोइंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ एज लाइक मुझे सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग, या मैं बहुत क्रिएटिव हूं, मैं बहुत प्रोफेशनल हूं, मल्टीटास्किंग एनर्जी, द ट्रूथ ऑफ दैट पर्सन, या फिर जो एक्चुअल डीपर नॉलेज है उस चीज से रिलेटेड, दैट इज गोइंग टू कम आउट. दिस इज अ पॉइंट एनर्जी, इट इज लाइक एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज, सिम्बॉलिक लैंग्वेज के साथ अपनी सोल को एक्सप्रेस करना. और ये जो है ये कई बार उस लिरिक्स को, उस गिफ्ट को आप नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हो. दिस इज लुकिंग लाइक ये बॉलीवुड की एनर्जी लग रही है बहुत स्ट्रांग मुझे, कि अपने आप को बहुत सारी चीजों में, बहुत तरह तरह के रोल्स में, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व दिखाते हैं. और डेफिनेटली सॉन्ग्स और वो सब जो है वो होता है, लेकिन इट इज ऑल बिकमिंग अ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी नाउ. एंड वो जो प्रिटेंड कर रहे हैं वो सब सामने आ रहा है, इट इज गोइंग टू बी इवन स्ट्रॉन्गर. दैट्स हाउ आई सी इट. और उसके साथ में आई थिंक ही इज ऑल्सो सेइंग दैट जो वर्ड्स, जो चीजें, जो बहुत सारे आर्ट्स जो वो यूज कर रहे थे, जिनको वो अच्छे के लिए यूज कर रहे थे, नाउ इट इज टाइम जहां पे वो बुरे लोगों की डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाएं. तो दैट्स ऑल्सो अनदर एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकॉज ही यूज टू डू पोइट्री, राइट. अब एक लास्ट मैंने यहाँ पे बुक रखी है जहां से आई विल टेक आउट अ मैसेज इफ दिस इज इट. सुशांत कैन गिव मी किंग ऑफ वॉन्ट्स, तो मैं वो लास्ट मैसेज निकालूंगी. इफ अदरवाइज इफ देर इज मोर इन्फॉर्मेशन, I will try to take out some more cards, okay? Sushant, if this is it and that last message I have to read, then you give me King of Wands. If you have more communication messages, okay? Card de da ho gaya. This is like material trouble to King of Pentacle. कहीं किंग ऑफ पेंटिकल जो है ही इज कमिंग इन टू दैट मटीरियल ट्रबल. और मुझे ऐसा लगता है कि एक और नाम मनी रिवेलेशंस के साथ एक और नाम जो है वो जुड़ने वाला है, या एक नाम जो पहले ऑलरेडी जुड़ चुका है उससे रिलेटेड और ज्यादा स्ट्रांग वेल्थ और ज्यादा स्ट्रांग मनी रिलेटेड चीजें निकलने वाली हैं. एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मूव टूवर्ड्स गिविंग पुटिंग समबडी इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग ट्रबल. मतलब किसी से रिलेटेड कोई बहुत स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन जो है बाहर निकलने वाली है. आई वॉज थिंकिंग कि अगर आप अभी नहीं देते हो तो मैं बुक से भी एक पैरा पढ़ूंगी. सो लेट्स सी बुक से क्या आता है. अभी ये निकालती हूँ. दिस इज लुकिंग लाइक टेक मी. ओके, सब लोग इकट्ठे हो जाओ. पीयू का कार्टून बोल रहा है सब लोग इकट्ठे हो जाओ. ओके, व्हाट इज दिस, ये किस वक्त का सीन है. इट इज लुकिंग लाइक सीता पासिंग थ्रू द फायर ऑर्डियल. सो ये अग्नि परीक्षा का कार्ड है, ये अग्नि परीक्षा की एनर्जी है. और यहाँ पर ये चैप्टर ही है अग्नि परीक्षा का. सो आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. मैंने शुरू में भी बोला कि कोई चीज है जहां से चूज करना है, कोई कन्फ्यूजन्स है जहां से चूज करना है, और कोई चैलेंज है जो उनको पूरा करना है. इट इज लुकिंग लाइक वो अग्नि परीक्षा का टाइम जो है वो सिर्फ सीता माँ की अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो एक्चुअली श्री राम की भी अग्नि परीक्षा थी. वो एक्चुअली और चैप्टर 7 है, अनडाउटेबली 7 ही होना था. और दिस इज द इंडिकेशन कि एक नई बिगनिंग जो है वो शुरू हो रही है, और डिवाइन ग्रेस से जो रिजल्ट्स हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो भी आपकी तरफ आएंगी. लेकिन ये एनर्जी जो है ये ब्रदर्स की, जब यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ तो ये ब्रदर्स की या नई बिगनिंग की एनर्जी है. और ये लास्ट चैप्टर है बुक का. अग्नि परीक्षा हो चुकी है, अग्नि परीक्षा खत्म हो चुकी है. वाओ, अग्नि परीक्षा खत्म हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे अग्नि परीक्षा वाला लेटर जो है, चैप्टर जो है वो हो चुका है. और अग्नि परीक्षा के बाद दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, जहाँ पे सो दिस इज कंटेन्स मिसलिनियस इंडिकेशंस मेनी ऑफ देम इन स्पीशियस एंड कंक्लूड्स विद द रूल ऑफ
कंसल्टिंग द ओरेकल। तो इसमें बेसिकली ओरेकल को कैसे कंसिडर करना है और कुछ चीज़ें जो देखने में अनस्पिशियस लग सकती हैं लेकिन उनका बड़ा मीनिंग है, उनका बड़ा रीज़न है और वो बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए है, दैट इज़ द एनर्जी। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दैट ही इज़ सेइंग के कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको देखने में लगेगा कि ये सही नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहा है या इसने ऐसा क्यों किया, ऐसे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन वो बड़े लेवल। और ये सुशांत बार बार मैसेज दे रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, डोंट जज पीपल, डोंट गेट इन टू जजमेंटल मोड, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो करनी जरूरी होंगी फॉर ब्रिंगिंग आउट द रियल थिंग्स। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल बिकॉज आई कैन सी हिम एंड आई कैन सी द मैसेज ऑफ अ सनब्रेक, past energies, gift from the past leading to a sunbreak and many many communications and messages. And मैं मतलब यहाँ पे ना 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, 4 और ये 6+1 7 है, तो यहाँ पे भी 47 आई कैन सी। और कल ना, सो दिस इज अनदर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, क्योंकि बहुत लोग ना कन्फ्यूज हो रहे हैं। आई सॉ द टावर, मैंने टावर निकालना था पर एम्प्रेस निकल गई। आई सॉ द टावर, यस टावर, मैंने अचानक से मैंने टावर देखा तो आई वॉज लाइक ओके। सो बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, उनको 47 दिख रहा है तो दे आर थिंकिंग कि सुशांत ने कनेक्ट करना है, और फिर वो थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हैं कि 47 दिखा लेकिन सुशांत कनेक्ट क्यों नहीं किए। तो आई थिंक दैट एक चीज़ जो हमें समझनी है दैट इज ऑल्सो दैट वेन यू सी 47, द रेगुलर 47 जो आपके आसपास हैं, आपने पहले से ही देखे हैं, दैट इज प्रॉब्ली नॉट एन इंडिकेशन ऑफ connecting, but that can be indication of him being around. But when you see an exceptional 47, जब आप कोई ऐसा 47 देखते हो जो exceptional है, आपने पहले नहीं देखा था, तो that is the energy जहाँ probably he wants to connect. क्यों? क्योंकि मैंने 2-3 बार चेक किया बट ही वॉज नॉट कनेक्टिंग, एंड सडनली ना मैंने वही दूध के पैकेट जो मैं कब से लेती आई हूँ, मतलब अब कितने साल हो गए हैं, सडनली आई सॉ 47 दूध के पैकेट पे लिखा हुआ, एंड देन आई वॉज लाइक ओके दिस इज एक्सेप्शनल, आई हैव टू रन एंड चेक इफ ही वॉन्ट्स टू कनेक्ट, एंड ही डिड कनेक्ट। तो मैं उस वक्त में फटाफट भाग के आई चेक करने के लिए, तो वो आई थिंक एक डिफ्रेंशिएशन, एंड दिस इज लाइक पास्ट की किसी एनर्जी का। सो यहाँ पे पास्ट की किसी चीज को लेकर, पास्ट की किसी एनर्जी को लेकर देर इज अ टावर कार्ड। सो बेसिकली पास्ट का कुछ बहुत बड़ा रिविलेशन, सनब्रेक और एम्प्रेस को लेकर बहुत बड़ा रिविलेशन, एंड देन वो रिविलेशन के बाद देर इज कम्युनिकेशन, देर इज द मैन कमिंग, द किंग कमिंग हिमसेल्फ। ओके, सो लेट्स टेक द लास्ट मैसेज जो मैं यहाँ से लूंगी, मदर पीस। तो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज। ओके, द सन, ब्यूटिफुल। सो दिस सेज कि लोग जो है वो पार्टी करने आए हैं दूसरे एनिमल्स के साथ, सर्कस जो है ट्रूप वो एंटरटेन कर रहा है सबको, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं रिन्यूअल, सब लोग जो है वो एक साथ आ गए हैं। एंड यहाँ पर वो बोल रहा है कि इमरजेंस की प्लेस है, अलाइवनेस है, जॉयनेस है, और किसी को भी बाहर नहीं छोड़ा गया है, सब इस वॉर्म्थ में साथ है। और इफ यू सी दिस, द सन इज रिबॉर्न आफ्टर द जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मून, मतलब मून की ट्रांसफॉर्मेशन और जर्नी के बाद सूरज जो है वो गया है, हैप्पीनेस है, अंडरस्टैंडिंग है, सबको पता है कि वो यहाँ पर क्यों है, रियलाइजेशन है, और सारी चीजें जो है वो उनका पर्पज, उनका प्लेजर, वो सब यूनिकनेस, सब इट इज ऑल फॉर इट इज मेकिंग सेंस। कोई भी और मौन डेथ या ओल्ड पार्ट्स जो है वो नहीं है, देर नो लॉन्गर मौन द डेथ ऑफ ओल्ड पार्ट्स, मतलब वो डेथ को मौन नहीं कर रहे हैं, वो किसी की डेथ के लिए उदास नहीं है, क्योंकि डेथ जो है ऑलरेडी रिबॉर्न हो चुकी है। तो यू नो द एनर्जी व्हाट दैट मीन्स, राइट? और दिस इज लाइक अभी शायद सन फुल फोर्स में नहीं है, लेकिन इट लुक्स लाइक के सन जो है वो बहुत जल्दी नई फाइंड एनर्जी में होगा, नई फाइंड पावर में होगा, और इट इज लाइक बिलीव इन द, क्योंकि रिवर्स नहीं आया, मैं रिवर्स नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं फिर भी पूरा पढ़ देती हूँ क्योंकि कार्ड नहीं है हमारे पास। तो बट दिस बेसिकली सेज इज दैट सन इज रिबॉर्न, मून की जर्नी के बाद सूरज जो है वो आ गया है, और दिस इज लाइक द हैप्पीएस्ट प्लेस यू वुड वॉन्ट टू बी इन, बट इट इज गोइंग टू टेक अ वाइल अभी भी। सो थैंक यू सो मच, वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड पावरफुल मैसेजेस, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आप आगे और तक पहुंचा दे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।